राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने इस्तीमा गाह का निरीक्षण किया, जहां इज्तिमा आयोजन को लेकर मंत्री मैडम ने अफसरों के साथ न सिर्फ विकास कार्यों की समीक्षा की बल्कि आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर कई अहम दिशा निर्देश जारी किए। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल के इटखेड़ी स्थित घसीपुरा में हर साल लगने वाले धार्मिक आयोजनों में से एक इजितमा का आगाज 29 नवंबर से 2 दिसंबर सामूहिक दुआ के साथ संपन्न होगा। इसकी तैयारियों का जायजा लेने सरकार के राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आलमी तबलीगी इजितमा आयोजन के इजितमा स्थल इटखेड़ी का जायजा लिया। सभी विभाग के अधिकारियों को इजितमा से संबंधित सभी कार्यों को जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने पुलिस द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी उस सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। कृष्णा गौर ने कहा कि यह हमारे शहर में मुसलमान समाज का इतना बड़ा आयोजन होता है, यह आयोजन मुस्लिम समाज के महाकुंभ जैसा है। इस आयोजन में किसी भी प्रकार की असुविधा श्रद्धालुओं को ना हो उसका हर संभव प्रयास शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आपने देखा है क्या, आप रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि हर वर्ष नवंबर माह के अंतिम समय और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में बहुत बड़ा आयोजन, जिसे हम मुस्लिम समाज का धार्मिक आयोजन भी कह सकते हैं, हमारे भोपाल शहर में आयोजित होता है और विगत 77 वर्षों से लगातार ये आयोजन इस स्थान पर होता आया है। एक बड़ा आयोजन, बड़ी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है और इस दृष्टि से राज्य शासन प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि धार्मिक आयोजन पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से हो सके। इसी दृष्टि से आज समस्त अधिकारियों के साथ हमारे इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय विष्णु खत्री जी, वक्फ बोर्ड के हमारे अध्यक्ष आदरणीय सुनवर पटेल जी, एजाज भाई और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमने ये बैठक का आयोजन किया। आयोजन स्थल का निरीक्षण भी किया, सारी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी भी ली और जो कमी पेशी है उसको तत्काल पूरा करने के निर्देश भी दिए। एक बड़ा आयोजन यहाँ पर होता है तो उसमें लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ शामिल होते हैं। इस दृष्टि से व्यवस्थाएं भी उस हिसाब से होनी चाहिए, उसके लिए सभी विभागों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय है जो लगातार हर वर्ष अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, व्यवस्थाएं देते हैं और हर वर्ष बहुत शांतिपूर्वक तरीके से यह आयोजन यहां संपन्न होता है। इस साल भी शांतिपूर्वक तरीके से व्यवस्थित रूप से यह आयोजन यहाँ संपन्न हो इसकी पूरी चिंता विभाग ने की है और लगातार प्रदेश सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है। सारा हमारा जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार के विभाग के अन्य अधिकारीगण सभी इस बात के लिए संकल्पित हैं कि इस बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराएं और 29 नवंबर से प्रारंभ होने वाला हमारा स्कीम का ये आयोजन 2 दिसंबर को जब संपन्न हो तो सभी लोग इस 4 दिवसीय आयोजन में शामिल होकर। ये माननीय मंत्री महोदय जो आई थी वो समीक्षा बैठक लेने आई थी कि अभी तक अपना कितने काम क्या काम हो गए हैं और उसकी क्या स्थिति है, ताकि उसके जो भी उसके अंदर रह गया है उसके वो दिशा निर्देश सभी समस्त विभागों को ताकि जितनी रैपिडली हम इसको कवर कर सकें, इस पूरे काम को जितनी जल्दी इसको पूरा कर सकें,
ताकि क्योंकि हमारा 29 तारीख से आयोजन स्टार्ट है तो 25-26 तक कंप्लीट होके एक उसका मॉक हो जाए, तो उसके दिशा निर्देश देकर गई हैं सभी संबंधित विभागों को। उन्होंने निर्देशित किया है कि अपने अपने कार्यों के अंदर फुर्ति लाने के लिए और उसको तेज समाप्त करें। कितना काम हो गया और कितना परसेंट काम? देखिए, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग प्रकार के काम हैं। काम जो है पंडाल का है, फूड जोन्स का है, पार्किंग्स का है, तो सब कामों की अलग अलग स्थिति है। कुछ काम जो है 90% कंप्लीट हो गए हैं, कुछ काम 50% के ऊपर है, लेकिन समय रहते सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि सारे विभाग जो हैं वो मुस्तैदी से मुस्तकिल काम कर रहे हैं और हमारे वॉलंटियर्स की टीम भी साथ में काम कर रही है। कुल मिलाकर भोपाल में मुस्लिम समाज के होने वाले इस बड़े आयोजन को लेकर मोहन सरकार के मंत्री कृष्णा गौर ने प्रशासनिक अफसरों को कई अहम दिशा निर्देश भी जारी किए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।